टीम इंडिया में छाया मातम, संजू सैमसंग ने लगाया बीती रात फांसी। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर संजू सैमसंग ने इस तरह की हरकत वो भी कर दिया अचानक से, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप बताना चाहते हैं कि टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी संजू सैमसंग को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चित खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों बताया यह जाता है कि संजू सैमसंग जिस तरह से टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए नजर आते हैं, उस तरह से संजू सैमसंग काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो कि होली का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि संजू सैमसंग ने नशा कर लिया, और दोस्तों अपनी बीवी से झगड़ा कर जो कि संजू सैमसंग काफी ज्यादा झगड़ा किया, जिसके बाद संजू सैमसंग जो कि फांसी के फंदे पर लटकने की कोशिश किया। और दोस्तों इसके लिए जो कि संजू सैमसंग के घर वालों ने रोका, और दोस्तों यह लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है कि आखिर संजू सैमसंग जो कि इन दिनों से डिप्रेशन में जीते हुए नजर आते हैं, और दोस्तों होली के दिन जो कि अपनी बीवी से जो कि झगड़ा किए, और दोस्तों उसके बाद उन्होंने फांसी के फंदे पर लटकने का कोशिश किया। और दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संजू सैमसंग को इस तरह से कारनामा करना चाहिए या फिर नहीं? लेकिन दोस्तों हालांकि संजू सैमसंग के फांसी के लटकने के पीछे जो कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भी दोषी है, क्योंकि संजू सैमसंग को हर एक मैच के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि संजू सैमसंग बहुत ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संजू सैमसंग को बाहर करना कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के लिए खेदजनक बात है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर संजू सैमसंग के साथ इस तरह के कारनामा वो भी उनको करना चाहिए था या फिर नहीं? आपको जो लगता है आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों संजू सैमसंग को लेकर। दोस्तों